अस्सलाम वालेकुम सामिन किराम, मैं हूँ शादाब असगर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब मुझे एक वाकया सुनाया करते थे कि किसी आदमी ने एक बच्चे को देखा जो सड़क के किनारे खड़ा होकर एक गैर इखलाकी हरकत कर रहा था। उस शख्स ने सोचा कि अगर मैं इस बच्चे को मना करूँगा तो चूँकि ये लड़कपन में आए, हो सकता है मुझसे बदतमीज़ी भी करे और मेरी बात भी ना माने, लिहाजा तरीक़ाकार ये है कि मैं इसके वालिद साहब को बुला के उन्हें बताऊं ताकि वो इसकी बेहतर तरीके से इस्लाह कर सके। पूछते पूछाते जब वो उसके वालिद साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके वालिद साहब वही अमल अपने बेटे से भी ज़्यादा बुरे तरीके से सरेआम सड़क पर कर रहे थे। वो शख्स बड़ा मायूस हुआ और वापस आ गया और उसने सोचा कि इस बच्चे की इस्लाह नहीं हो सकती। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक लड़का है जो ट्रैफिक वार्डन के साथ काफ़ी बदतमीज़ी कर रहा है। उस लड़के ने क्या अमल किया और उसके साथ बाद में क्या हुआ, वो सब तो एक अलग बहस है, लेकिन इस सारी वीडियो के अंदर जो सबसे अफसोसनाक पहलू मुझे लगा वो ये था कि उस बच्चे के साथ उसके वालिद साहब भी मौजूद थे। इस वीडियो का पस मंज़र ये था कि हेलमेट ना पहनने की वजह से उसको रोका गया, जिस पे वो शख्स, वो लड़का जो है, वो बच्चा, वो ऑफेंड हो गया और उसने ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीज़ी भी की। और उसके वालिद साहब जिनको ये सारा मामला जो देख रहे थे और साथ में मौजूद थे, उन्हें रोकना चाहिए था, वो उसके साथ मिलके उस ट्रैफिक वार्डन को गालियां दे रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि सफ़र शुरू करने से पहले वो अपने बेटे को गाइड करते कि बेटा ये जो हेलमेट है ये हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। और अगर किसी वजह से, और अगर वो ट्रैफिक वार्डन उनको रोक लिया था और वो किसी वजह से वो हेलमेट नहीं पहन सके किसी एमरजेंसी की वजह से, तो ट्रैफिक वार्डन को कन्विंस करना चाहिए था या उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, हो सकता है वो उन्हें जाने देते हैं। और अगर नहीं भी जाने देते तो जो तरीका उन्होंने अपनाया वो किसी भी सूरत में काबिले कबूल नहीं है। इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब कहा करते हैं कि बेटा हमेशा कोशिश करो कि ट्रैफिक रूल्स को मुकम्मल तौर पर फॉलो करो, लेकिन जब आपके बच्चे आपके साथ हों तो फिर चाहे आपको कितनी ही देर क्यों ना हो रही हो, फिर लाजमी तौर पर फॉलो करो, क्योंकि हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की तौफीक दे और मैं ख़ुद भी एक अच्छा शहरी बनूं इस शहर, अपनी इस मुल्क के लिए, और मेरे बच्चे भी एक अच्छे शहरी बन सकें। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि।